अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति लगातार बेकाबू होती जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर जो संक्रमण की स्थिति है वो लगातार बढ़ रही है और राजधानी भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जो शहर हैं उन शहरों में कोरोना की स्थिति लगातार बेकाबू हो रही है। मध्य प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है तो कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 23,000 को पार कर गया है। 23,310 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, और अभी तक मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण 738 लोगों की मौत हो गई है। और जो एक्टिव केस है मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के, उन एक्टिव केसों में भी एक बार फिर से वृद्धि हुई है। और जो मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट अभी तक 70 था, 70 से कम हो गया है, 67 के लगभग आ गया है। और जो रिकवरी रेट है वो घटा है। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 6,888 है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 710 संक्रमण के मामले आए हैं, और अभी तक राज्य में एक दिन में सबसे ज़्यादा 17 मौतें हुई हैं। और वो जो 17 मौतें सोमवार को हुई हैं, सोमवार भी यानी कहना चाहिए बीते 24 घंटे में जो 17 मौतें हुई हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मौतें राजधानी भोपाल में हुई हैं, और उसके बाद फिर इंदौर में हुई हैं। इंदौर में जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 6,155 हो गया है। भोपाल में संक्रमितों का आंकड़ा 4,363 हो गया है। ग्वालियर में संक्रमितों का आंकड़ा 1,706 हो गया है। मुरैना में संक्रमितों का आंकड़ा 1,332 हो गया है। उसके बाद उज्जैन में जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 986 तक पहुंच गया है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में जो सबसे ज़्यादा मामले आए हैं वो राजधानी भोपाल में सामने आए हैं। राजधानी भोपाल में बीते 24 घंटे में 142 मामले सामने आए हैं। इंदौर में 120 मामले सामने आए हैं। उसके बाद ग्वालियर जो एक नया हॉट स्पॉट बन के तैयार हुआ है, ग्वालियर में लगातार कोरोना के जो संक्रमित हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, और ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 68 मामले सामने आए हैं। मुरैना में हालांकि जो बीते 24 घंटे वहां कम मामले आए हैं, वहां 13 लोग ही कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश में जो कोरोना वायरस की स्थिति है और कोरोना संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण को बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त निर्णय लेने की बात की है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को समीक्षा बैठक की कोरोना की, और उस दौरान उन्होंने कहा कि जो संक्रमित जिले हैं मध्य प्रदेश के, सबसे ज़्यादा संक्रमित जिले हैं, वहाँ 2 दिनों का टोटल लॉकडाउन रखा जाए। तो मध्य प्रदेश एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो संक्रमित जिले हैं सबसे ज़्यादा, उन जिलों में एक बार फिर से 2 दिनों का टोटल लॉकडाउन रखा जाए। एक दिन जो लॉकडाउन होगा वो रविवार होगा, और जो दूसरा दिन है वो क्राइसिस ग्रुप के जो मैनेजमेंट है हर जिले में बनाया गया था कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए, वो तय करेगा कि किस जिले में कौन से 2 दिन रहेंगे। लेकिन रविवार कंपलसरी रहेगा, या तो शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा राज्य में, या तो फिर रविवार और सोमवार 2 दिनों का टोटल लॉकडाउन रहेगा मध्य प्रदेश में। सरकार ने आई और कई बड़े निर्णय लिए हैं, उनमें से ये है कि जो कर्फ्यू का वक्त था उसे रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ भी कर्मचारियों को 50-30% और 70% की बात की जा रही है। तो कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लगातार सरकार अब सख्ती बरतने के मूड में है, और मध्य प्रदेश सरकार इस तरफ जा रही है कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर बीते एक हफ्ते में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, और जो मामले हैं और उन मामलों में सबसे बड़ी बात ये है कि जो रिकवरी रेट अभी तक मध्य प्रदेश का था वो रिकवरी रेट कम हो रहा है, और जो एक्टिव मरीजों की संख्या जुलाई के 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक जो भोपाल है, राजधानी भोपाल, वहाँ जो कंटेनमेंट एरिया हैं उन वो कंटेनमेंट एरियों की संख्या भी बढ़ गई है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित की जो स्थिति है वो लगातार बेकाबू हो रही है। दूसरी तरफ अगर देश की बात करें तो
देश में भी कोरोना वायरस की स्थिति लगातार बेकाबू होती जा रही है। 26,000 से ज़्यादा लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई है, जबकि जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है वो देश में 11.5 लाख तक पहुंच गया है लगातार। हालांकि इस बीच एक राहत भरी खबर ये है कि जो कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर बात चल रही है, तो मानव परीक्षण कोरोना वायरस को लेकर किया जा रहा है और कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो कोरोना संक्रमण की वैक्सीन है उस पर काम चल रहा है और जो उसके ट्रायल हैं वो एक ट्रायल सफल हो गया है। कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल है वो ह्यूमन बॉडी पर होगा। इसी बीच IMR और उसके बाद जो कई बड़े एम्स के निदेशक हों या सर गंगाराम अस्पताल के सर्जन हों, उन्होंने कहा है कि मध्य देश में जो कोरोना की स्थिति है तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन सामुदायिक संक्रमण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश और देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बढ़ रही है, तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हम आपसे अपील करेंगे कि घरों में ही रहें, आवश्यकता हो तभी बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें। और जिस तरह से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, इस समय कोरोना वायरस को रोकने के लिए केवल एक ही दवा है और वो है हमारी और आपकी जागरूकता। तो जागरूक रहें, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शासन प्रशासन और हमारे जो मेडिकल कर्मी हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में लगे लोग हैं, लगातार निरंतर कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी इनका सहयोग करें और अनावश्यक कार्य के लिए घर से बाहर ना निकलें, जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।